Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत रिक्वेस्ट पे मैक्स का हॉल एंड आई थिंक somehow मैक्स एंड H&M का वाइब ऑलमोस्ट सेम है. कलेक्शन वाइज कह लो या फिर प्राइसिंग वाइज कह लो, मैक्स का एक ट्राउजर आता है 1200 का या फिर 1300 का एंड H&M का ट्राउजर आता है 1500 का. सो ऑलमोस्ट प्राइसिंग वगैरह भी सेम है एंड कलेक्शन काफ़ी ट्रेंडी है. मैक्स का कलेक्शन मुझे एकदम शुरू से ही बहुत पसंद है एंड मैंने इस बार ना भर भर के ये दो बैग भर के मेरे पास आज सामान है आपको दिखाने के लिए. सो सबसे पहले ना मेरे पास एक फुटवेयर है, मैं वो दिखा देती हूँ बिकॉज एक ही फुटवेयर मैंने लिया है मैक्स से. इस बार ये फ्लैट्स मैंने ले लिया है फॉर एवरीडे यूज़. मुझे ऐसे फ्लैट्स बहुत पसंद है एवरीडे यूज़ के लिए. इसका प्राइस है 799 रुपीज़ एंड ये मेरा साइज इसमें 38 यानी कि 5. प्राइसिंग के हिसाब से मैक्स का फुटवेयर ना काफ़ी अच्छा चलता भी है, लाइक लॉन्जिविटी काफ़ी अच्छा है. ऐसा फ्लैट जो है ना वो चला जाता है ना हर एक आउटफिट के साथ एंड अभी काफ़ी ट्रेंड पे भी है क्योंकि ये ना मैं बहुत जगह देख चुकी हूँ. आई हैव सीन दिस सेम काइंड ऑफ फुटवेयर SSS पे यानी कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर पे, बट SSS से काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है इसका. नेक्स्ट अप आई हैव दिस ब्यूटिफुल साइड स्लीट स्कर्ट, बट मैंने ये स्कर्ट ना किड्स सेक्शन से ली है. मैंने ये 15-16 वाले एज का पिक किया है एंड मैंने ट्रायल नहीं दिया था बट मुझे लगा कि वो सही से फिट आ जाए बिकॉज स्कर्ट्स का क्या होता है ना, आप इसे हाई वेस्ट स्कर्ट भी पहन सकते हो. तो ये कुछ ऐसा साइड स्लीट वाला स्कर्ट है जो कि मिडी स्कर्ट है, ब्लैक के ऊपर पूरा ऐसे ना डेजी बना हुआ है एंड आई लव दिस काइंड ऑफ प्रिंट सो मच. एंड ऐसा स्कर्ट किसी भी टॉप के साथ या फिर येलो पहन लो, व्हाइट पहन लो, ब्लैक पहन लो, काफ़ी वेकेशन अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो सम अप्रोप्रिएट टू. आई नो ब्लैक इज नॉट द कलर बट द प्रिंट इज सो ब्यूटिफुल एंड एक्चुअली आई कैन वेयर इट मैं अगर कहीं बाहर जा रही होती हूँ तो. काफ़ी दिनों बाद फिर से एक बार किड सेक्शन से शॉपिंग करके बड़ा मजा आया. नेक्स्ट मैंने लिया है अगेन एक ब्लैक आइटम, ये एक टॉप कम शर्ट कह सकते हो आप. दिस इज द शर्ट राइट हियर, बेसिक ब्लैक शर्ट है एंड इट्स अ हाफ स्लीव शर्ट एंड इसमें ना वो थोड़ा थोड़ा रिंकली वाला डिज़ाइन है, लाइक पूरा जो पैटर्न देख रहे हो आप थोड़ा बहुत रिंकल रिंकल दिख रहा होगा. यही इसका डिज़ाइन है ऑल ओवर. इसको आप ओपन कर सकते हो ऑफकोर्स सामने की तरफ से. प्राइस इज 599 एंड मुझे मेरा साइज इसमें मीडियम, लेकिन मुझे थोड़ा बैगी वाला फिट चाहिए था. समर के टाइम रात के लिए आप इसे कैरी कर सकते हो, लाइक काफ़ी एयरी एंड कंफर्टेबल मटेरियल है. आई थिंक मटेरियल इज जॉर्जेट एंड काफ़ी कूल लगेगा भाई. वैसे बेसिक प्लेन वाइट या फिर ब्लैक शर्ट्स या फिर टॉप कह लो काफ़ी अच्छा लगता है. सो आई लव द फिटिंग एंड द लुक काफ़ी अच्छा लग रहा था. आई थिंक मैंने ये वाला जो शॉर्ट्स है वो कुछ दिन पहले अपलोड किया था एंड यू गाइस वर कीप ऑन आस्किंग अबाउट माई स्किन केयर रूटीन, यू नो मैं क्या करती हूँ, अभी इतना ग्लो कैसे करता है मेरा स्किन. सो आई थॉट टू रिवील माई सीक्रेट टूडे. वेल मैं कुछ दिनों से मेरा डाइट प्लान जो है चेंज किया है. नॉर्मल डाइट प्लान के साथ मैं बस शुगर इनटेक जो है बिल्कुल कम कर दिया है. उसके बाद मैंने वाटर इनटेक को इंक्रीज किया है एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट एंड जो मुझे बाय द वे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है इस पूरी प्रोसेस में. हम सिर्फ अपनी स्किन को कुछ लगाने से अच्छा नहीं बना सकते, हमारे डाइट के ऊपर हम जो इंटेक करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है हमारे स्किन के ऊपर एंड हमारी जो स्किन हेल्थ है ना वो बॉडी पे प्रेजेंट कॉलेजिन लेवल के ऊपर भी डिपेंड करती है. तो अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ तो 30% ऑफ आवर बॉडी प्रोटीन इज कॉलेजिन एंड ऑल्सो हमारे स्किन पे होता है 70% ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो कॉलेजिन. कॉलेजिन से बेसिकली हमारे स्किन सेल्स है ना वो बाइंड होता है एंड दैट्स हाउ आवर स्किन गेट्स दैट इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दैट फर्मनेस एंड इलास्टिसिटी into our skin. And बहुत जन ये नहीं जानते कि हमारे स्किन पे जो कॉलेजिन होता है मिड 20 से लेके हर साल 1% करके वो लूज होता है एंड ड्यू टू दिस लॉस ऑफ कॉलेजिन हमारी स्किन काफी डल लगने लगता है एंड वी सी दैट साइंस ऑफ एजिंग, फाइन लाइन्स, स्माइल लाइन्स, राइट. एंड फॉर दैट रीजन आई इंक्लूडेड एज के वाइटल्स स्किन रेडियंस कॉलेजिन इन माई डेली डाइट एंड इट हैज रियल मरीन कॉलेजिन. हमारे स्किन पे जो कॉलेजिन लॉस होता है ना उसको नेचुरली रिप्लेनिश करने में हेल्प करता है. इट हैज ऑल्सो अदर स्किन नरिशिंग इंग्रीडियंट्स लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, बायोटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड विच कीप्स माई स्किन हाइड्रेटेड एंड ये जो फाइन लाइन्स है ना वो रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है. इसको प्रिपेयर करना भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस 2 स्कूप चाहिए इसका एंड आपको इसमें 100 ml पानी के साथ मिक्स करना होता है एंड दैट्स इट. ये काफ़ी टेस्टी भी है. आई लव टेकिंग एज के वाइटल स्किन रेडियंस कॉलेजिन, मैं तो इसे रेगुलरली देती हूँ एंड यू कैन सी द डिफरेंस लाइट मेरे स्किन पे, काफ़ी हद तक चेंज हुआ मेरा स्किन. एंड इफ यू ऑल्सो थिंक दैट यू नीड टू एड दिस इन योर डेली डाइट देन डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो एज के वाइटल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे. वेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा एंड ऑल्सो यू कैन यूज माई कूपन कोड इफ यू वॉन्ट टू सेव सम एक्स्ट्रा पेनी एंड यू थैंक मी लेटर वेन योर स्किन स्टार्ट्स लुकिंग ग्लोइंग एंड हेल्दी एंड यंगर.
ड्रेस नेक्स्ट दिख रहा है मुझे ये ड्रेस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बबल गम वाला ड्रेस. दिस इज द ड्रेस राइट हियर, यू कैन सी कितना ज़्यादा प्रीटी है ना. ये ना फुल स्लीव है, इसके वजह से इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे बाय द वे. सो इस मेरा साइज़ है मीडियम एंड प्राइस है 899. स्मॉल जो था ना वो थोड़ा सा छोटा लाइक टाइट हो रहा था यहाँ से लाइक वेस्ट के अराउंड, अदरवाइज मैं स्मॉल लेने वाली थी. इसमें ना आपको मिल जाएगा ये साइड पे जिप, इज नॉट टू शॉर्ट. अगेन आप इसे वेकेशन पे पहन सकते हो एंड ये कितना प्रीटी है ना, आप किसी के बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो अभी भी पहन सकते हो इसे, बहुत ही अच्छा है. पूरा जॉर्जेट का मटेरियल है, अंदर अलग से लाइनिंग डाला हुआ है, बट अगेन द कलर इज सो समर अप्रोप्रिएट ना, लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा. एंड स्लीव्स में ना आपको ये हल्का सा पफी इफेक्ट भी मिल जाएगा ऐसे शोल्डर के ऊपर, एंड थोड़ा सा इलास्टिक पार्ट भी है इसके वजह से वो पफी लुक आता है. एंड सामने मिल जाएगा आपको ये काइंड ऑफ स्वीट हार्ट नेक, लेकिन इसका फिटिंग एंड ऑल ओवर लुक जो था ना पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था. लाइक आप इसको एक स्नीकर के साथ पहन लो विद अ स्लिंग वाइट बैग, या फिर एक शोल्डर बैग ले लो वाइट या फिर येल्लो सा, एंड उसके साथ एक हील पहन लो वो लेस वाला हील, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा. लाइक टाया फिर होगा नहीं उसका, तो बहुत ही ब्यूटी लगेगा. आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक दिस विथ मी जहाँ पे मैं जा रही हूँ घूमने. नेक्स्ट आप आई हैव अ टॉप अगेन. सो ये ऐसे व्हाइट कलर का टॉप है, एज यू कैन सी ये है 599 rupees का एंड इट्स अ कॉर्सेट टॉप. यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज का डिज़ाइन कुछ यू नो स्टिचिंग वगैरह कुछ दिया हुआ है वैसा टाइप का. इसमें भी थोड़ा स्लीव्स पे ऐसे पफी लुक आपको मिलेगा एंड पीछे के साइड पे आपको मिल जाएगा ये इलास्टिक लाइक स्मॉक वाला पार्ट. ट्राई करने के लिए लेस दिया हुआ है पीछे की तरफ. इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक अ ब्लाउज, ट्रस्ट मी आप ले लोगे तो इसे आप एज अ वाइट प्लेन बेसिक ब्लाउज भी यूज़ कर सकते हो. अगैन इट्स परफेक्ट फॉर समर क्योंकि ये कॉटन का है पूरा, एंड इसे आप फ्लैट डेनिम के साथ पहन लो या फिर एक प्रिंटेड प्लाजो के साथ पहन लो विद अ चोकर, एकदम परफेक्ट बोहेमियन वाला लुक आएगा. लाइक आई कैन स्टाइल दिस टॉप इन सो मेनी डिफरेंट वेज, एंड ऐसा ना प्लेन एक वाइट टॉप तो होना ही चाहिए. सो नेक्स्ट मेरे पास अगेन एक टॉप है. मैं ना ड्रेस से ज़्यादा टॉप खरीदना पसंद करती हूँ बिकॉज टॉप्स को मैं स्कर्ट के साथ या डेनिम के साथ ट्राउजर के साथ पेयर कर सकती हूँ डिफरेंट डिफरेंट वेज में. आई हैव दिस पर्पल कलर का लाइलक कलर का टॉप राइट हियर जो कि बहुत ही प्रीटी है. 499 प्राइस है इसका, साइज है मेरा इसका स्मॉल. इज सुपर क्यूट है, लुक एट द टॉप यू गाइस. सामने आपको ये बो मिल जाएगा विद दिस स्वीट हार्ट काइंड ऑफ नेक. इट लुक्स लाइक अ स्लीवलेस टॉप ऑलमोस्ट, बट इसका स्लीव पिन आपको ये थोड़ा सा क्या बताओ फ्लैरी वाला इलास्टिक वाला पार्ट मिलेगा. फ्लैरी नहीं, सो क्या कहते हैं रफल वाला पार्ट मिल जाएगा, तो इसकी वजह से काफ़ी अच्छा क्यूट वाला लुक आता है ये. एंड पीछे मिल जाएगा आपको ये स्मॉक वाला पार्ट. ये पूरा मटेरियल आई गेस इट्स पॉलिएस्टर जॉर्जेट मिक्स, इट्स नॉट कॉटन एट ऑल. आई डोंट नो कि ये जो वाइट वाला जो होता नहीं है हैंगर पे टंगाने के लिए, वो यहाँ पे दोनों जगह पे स्टिच क्यों किया हुआ है. आई रियली हैव नो आइडिया, इसको मुझे कट करना होगा. नेक्स्ट आप आई हैव दिस प्लेन वाइट टॉप. इट्स अगेन नॉट अ हाफ स्लीव टॉप, नॉट अ स्लीवलेस टॉप. मैं छोटा सा स्लीव दिया हुआ है यहाँ पे जो कि बहुत ही लग रहा है बाय द वे. एंड ये इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. द प्राइस इज 499 एंड मेरा साइज इसमें स्मॉल. फिटिंग एकदम बॉडी हगिंग वाला फिटिंग मैंने लिया है बिकॉज मुझे ऐसा टॉप ना बॉडी हगिंग वाला ज़्यादा पसंद है. रिप टॉप बॉडी हगिंग लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा मुझे लगता है. परफेक्ट फॉर डेली यूज़ एंड अगर आप चाहो तो इसको किसी भी यू नो प्रिंटेड स्कर्ट के साथ पहन पेयर अप कर सकते हो या फिर प्लेन ब्लू डेनिम लाइक डेनिम के साथ पेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा टॉप. सो या मेरे पास फिर से एक बार वाइट टॉप रिप्ड मैंने ले लिया है मेरे लिए. नेक्स्ट आप कार्गो, एक्चुअली मेरे पास दो कार्गो है, मैंने दो अलग अलग दिन पे परचेज किया है बट दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. सो फर्स्ट वन इज दिस लाइट ग्रीन कलर का, एकदम लाइट ग्रीन कलर है इसका, बहुत ही सटल कलर है लेकिन दिखता पहनने के बाद बहुत अच्छा है. सो ये इसका प्राइस बता दूँ, ये कार्गो का प्राइस है 1200 rupees, वेस्ट 30 है इसका. द फिट इज़ रियली नाइस एंड ऑल्सो इट्स वेरी कम्फर्टेबल एंड समर के लिए तो अगेन बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. डे टाइम पहनने के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ही है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा मुझे ये पहनने के बाद. फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड ये ना हाई वेस्ट वाला ट्राउज़र है तो काफ़ी अच्छा इसका लुक भी आता है. आपको इसमें ये दोनों साइड पे पॉकेट मिल जाएगा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके. नेक्स्ट मेरे पास है ये वाला कार्गो जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका लुक एग्जैक्टली सेम नहीं है. ऐसे नहीं कि मैंने सेम का ही दो कलर लिया, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसका लुक.
दिस इज द कार्गो राइट हियर. यू कैन सी डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर है एंड ऐसा वाला कलर मुझे बॉटम्स पे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो इसका प्राइस इज 1399 यानी कि 1400 रुपीज़. इसमें पीछे आपको मिल जाएगा ये इलास्टिक वाला पार्ट जो उस वाले पैंट पे नहीं था. स्ट्रेट फिट थोड़ा सा फ्लैरी वाला फिट ये देता है. एकदम सेम टू सेम ही लग रहा है बट आई डोंट नो व्हाई इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है. अगेन वेरी कम्फर्टेबल वेरी ट्रेंडी ऐसा कार्गो पैंट्स अभी काफ़ी ट्रेंड पे है एंड इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक द H&M वन जो मेरे पास एक बेज कलर का है. सिमिलर वैसा ही इसका लुक आता है दो द मटेरियल इज डिफरेंट. इट्स लाइक द डेनिम मटेरियल एंड सो जैसा कॉटन ही मटेरियल है. ओके ऑलरेडी आई एम टायर्ड स्टिल आई हैव 5 आइटम्स टू शो यू. स्टार्ट विद द ड्रेस फर्स्ट. दिस इज द स्लीवलेस फ्लेरी रफली ड्रेस फ्लोरल प्रिंटेड ड्रेस. इसका प्राइस है 899 एंड मेरा साइज में स्मॉल है. इसमें भी मिल जाएगा ये पीछे जिप ठीक है. तो इसको पहनना फिटिंग इस काफ़ी अच्छा रहता है एंड इसका जो स्ट्रैप्स देख रहे हो आप इस स्ट्रैप्स में भी आपको मिल जाएगा ये एडजस्टेबल वाला ऑप्शन जो होता है नहीं ब्रास में होता है वैसे सेम ऑप्शन मिल जाएगा आपको. तो आप इसका अपने अकॉर्डिंग छोटा सा डीप नेक या फिर छोटा नेक बना सकते हो. ऑडिट मटेरियल का है एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग मिल जाएगा अलग से एंड फ्रंट पे ये वी नेक भी मिल जाएगा. बहुत ही क्यूट है बहुत ही समर अप्रोप्रिएट यू नो क्या बोलते हैं इसको बबली टाइप इसका पैटर्न है बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. दो मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं. इसके बाद आई हैव अ टॉप का कॉर्सेट टॉप जो कि मैंने एग्जैक्टली सेम टू सेम H&M पे देखी हुई थी. प्राइस इज 599. इसमें मेरा साइज है मीडियम. स्मॉल में पहनी थी बट फिटिंग उतना अच्छे से आ नहीं रहा था. इसका सामने से आप देख रहे हो ये जिप ये पूरा ओपन हो जाता है लेकिन आपको स्ट्रैप में मिल जाएगा ये एडजस्टेबल वाला ऑप्शन एंड पीछे मिल जाएगा आपको ये इलास्टिक वाला स्मॉक्ड पार्ट. फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई वोंट से कि आप इसे कॉलेज पे पहन के जाओ बट डेफिनेटली आप इसे वेकेशन पे पहन सकते हो अगर आप डे टाइम पे बाहर जा रहे हो खाना खाने लाइक लंच पे ब्रंच पे या फिर नाइट टाइम पे भी बाहर जा रहे हो कैन वेयर दिस टॉप. काफ़ी सेक्सी भी लगेगा एंड ऑल्सो काफ़ी क्यूट भी लगेगा एट द सेम टाइम. लास्ट क्लोथिंग आइटम जो मेरे इस हॉल का है वो है ये बोहो टाइप इंडो वेस्टर्न ड्रेस कह सकते हो आप जो कि इस पूरे फ्रेम पे अटेगा नहीं बट फिर भी आई एम गोना शो यू. ये जो एब्स्ट्रैक्ट वाला ड्रेस कॉटन का है इसका एसिमेट्रिकल डिज़ाइन नीचे की तरफ. इसका प्राइस है 1200 रुपीज़ एंड मेरा साइज है इसमें स्मॉल. ये अगेन एक स्ट्रैपी ड्रेस है कैन सी वी नेक डिज़ाइन विद दिस एडजस्टेबल स्ट्रैप्स एंड पीछे आपको मिल जाएगा ये स्मॉक पार्ट जिसके वजह से इसका फिटिंग जो है ना इट्स सो डैम गुड. लाइक फिटिंग की वजह से मुझे इसका जो लुक है वो अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. ये एक्चुअली एथनिक सेक्शन पे था मुझे ये देख के पसंद आ गया था बिकॉज ऑफ दिस कलर स्टोरी. यू कैन सी द कलर स्टोरी सो बोहेमियन लाइक काफ़ी बोहो पिंटरेस्टी वाइब दे रहा था मुझे. मेरे घर का एक कॉर्नर का जो थीम है ना वो कुछ ऐसा ही वाला थीम है. ये पूरा कॉटन का है इट्स नॉट अ सी थ्रू ड्रेस एंड मैं इसको लेके बाइक भी जाने वाली हूँ घूमने एंड मैंने ऑलरेडी सोच लिया है मैं कैसे इसको स्टाइल करूँगी. आई एम गोना वेयर अ बूट ब्लैक बूट एंड उसके बाद मैं एक हैवी अफगानी चोकर पहनने वाली हूँ एंड दैट्स इट. बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड आई एक्चुअली कांट वेट टू वेयर दिस एंड क्लिक पिक्चर्स इन दिस आउट. मुझे मैक्स का बैग कलर एक्चुअली इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. मैं हमेशा कुछ ना कुछ बैग आइटम से मैं से उठा के लाती हूँ. इस बार भी मैंने छोड़ा नहीं है. इस बार मेरे पास एक बैग है जो कि एक शोल्डर बैग है. यू कैन सी काफ़ी क्यूट सा है एंड ऐसा पाउडर ब्लू कलर का शोल्डर बैग है. इसका प्राइस इज 1099 रुपीज़ 1100 रुपीज़ फॉर दिस छोटू सा बैग. आई नो एंड ऐसा शोल्डर बैग यू गाइस नो कितना ज़्यादा ट्रेंड पे है ना. तो ये शोल्डर बैग का बहुत सारा कलर्स एंड बहुत सारा पैटर्न डिज़ाइंस बहुत कुछ है मैक्स पे. तो मुझे मैक्स का बैग कलेक्शन पर्सनली क्लोथिंग आइटम से भी ज़्यादा पसंद है. इसके अंदर आपको एक ही कंपार्टमेंट मिल जाएगा विद दिस साइड जिप जिसमें आप अपने कॉइन्स वगैरह कार्ड्स वगैरह रख सकते हो. आई नो आपको ऐसा ही शोल्डर बैग ना मीशो पे काफ़ी अच्छे अच्छे कम प्राइस में मिल जाएगा बट मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के एंड इसका सेम टू सेम आई गेस येलो भी था एक लेमन येलो वाला एक ऑप्शन था बट आई लव दिस स्काई ब्लू वन बट इनमें ऐसा कलर का कुछ है नहीं. सो या नेक्स्ट आई हैव दो ईयरिंग का सेट. इसका प्राइस है 349. इसका प्राइस है 499. ये जो हुक्स देख रहे हो ना ये तो काफ़ी कॉमन है. मुझे इसका ये वाला ओपन भी ऑलरेडी है बट ये जो ड्रॉप ईयरिंग्स देख रहे हो ना आप ये छोटा छोटा एक जो है बी का है एक ब्लू कलर का और एक पिंक कलर का है ये तीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा. मैं डेली वेयर के लिए ना ऐसे ड्रॉप ईयरिंग्स एंड स्टड्स पहनती रहती हूँ सो दैट्स व्हाई आई रीस्टॉक्ड इट क्योंकि मेरे पास ऐसा बहुत सारा है ऑलरेडी. कुछ कुछ फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ कोर्स इसका जो गोल्डन कलर है ना ये काफ़ी टाइम तक रहता नहीं है.
सो आपको कुछ देर बाद इसको ऑफकोर्स फेंकना पड़ता है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर मुझे इनमें से कुछ आइटम का लिंक मिल जाता है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कर दूंगी. नॉट ओनली आई हैव अपडेटेड माई वार्डरोब विद दिस अमेजिंग क्लोथिंग आइटम, बट ऑल्सो आई हैव अपडेटेड माई स्किन केयर रूटीन विद HK Vitals हेल्थ सप्लीमेंट. इट्स ट्रूली बीन अ गेम चेंजर फॉर मी एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई. जिन लोगों को भी अपने स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करवाना है. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. होप यू गाइज एंजॉयड दिस हॉल कम स्किन केयर अपडेट वीडियो. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.